हाय गाइज, सिनेमेटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर ने और इसमें लीड में है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जया बच्चन, शाबाना आजमी, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स। तो कैसा है यह ट्रेलर, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हमें रानी और रॉकी का एक आर्गूमेंट दिखाया जाता है और इसके बाद हमें इनकी लव स्टोरी कैसे चालू हुई यह बताया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि रानी बहुत ही शार्प माइंडेड है और एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है। वहीं रॉकी एक डम डफर मस्त मौला गबरू जवान है जो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है और इनकी तरह इन दोनों की फैमिलीज भी सेम ऑपोजिट है। तो इनको तो प्यार हो गया, लेकिन अब ये दोनों अपनी फैमिलीज को मनाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके सामने आ जाता है। फिर रानी एक सोल्यूशन निकालती है और कहती है कि अगले 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर पे। फिर ये दोनों अपने फैमिलीज को स्विच कर देते हैं। इसके बाद जो इन दोनों फैमिलीज के बीच में ड्रामा होगा वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी की स्टोरी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है टू स्टेट्स मूवी की तरह, बट इस बार स्टोरी का बजट ग्रैंड है। ट्रेलर में जितने भी गाने हमें दिखाए गए सभी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, लेकिन क्या इसका ग्रैंड होना इस मूवी को हिट कर पाएगा या जितना हमें दिखाया गया है उससे भी कुछ ज़्यादा स्टोर होगा इस मूवी में, ये तो हमें 28 जुलाई को ही पता चलेगा जिस दिन ये मूवी बड़े पर्दे पर आएगी। मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इसे एंजॉय भी किया। मुझे पूरे ट्रेलर में इनके कॉमेडी पंचेस अच्छे लगे, बट कुछ सीन्स में ये क्रिंज भी हो जाते हैं। दो ऑपोजिट फैमिली के बीच में की कश्मकश को भी ट्रेलर में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। ट्रेलर में सब कुछ तो हमें पता चल गया है, लेकिन जो नहीं पता चला है इस मूवी के बारे में वो है इसका इमोशन, और यही तो वो चीज़ है जो ऑडियंस को थिएटर में खींच लाएगी। मूवी की कास्ट काफ़ी बड़ी है और रणवीर आलिया के पैर को तो हमने पहले भी देखा है, तो इस बार इनकी केमिस्ट्री में क्या अलग होगा ये भी देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। करण जौहर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और इन्होंने इन 25 सालों में हमें काफ़ी बढ़िया मूवीज भी दी है। तो क्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी उनकी इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। दोस्तों, जब करण जौहर ने इस मूवी की अनाउंसमेंट की थी मुझे पता था कि मूवी में हमें कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि करण जौहर की इन एलिमेंट्स में काफ़ी मजबूत पकड़ है और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए और स्पेशली इसके गानों के लिए जिन्हें म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। तो दोस्तों, आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर।